जय भीम, नमस्कार। मैं भीमराव लोनारे आईबीएम न्यूज और डब्ल्यू में आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं दीक्षा भूमि परिसर में हूँ और ये जो तमाम उपासक उपासिकाएं जो है ये सब चेन्नई से आए हैं। ये देखिए 90 लोग चेन्नई से आए हैं दीक्षा भूमि पर महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करने के लिए ये दीक्षा भूमि में आए हैं। और इनके साथ में ये उन्होंने एक बजाने का वाद्य भी उन्होंने लाया है, देख सकते हैं, जो चेन्नई का एक वाद्य है वो उन्होंने लाया है बजाने का, ये देखिए। और 90 लोग चेन्नई से उनकी टीम आई है, 90 लोगों की टीम आई है। मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए नीला धम्म करके इनका ऑर्गेनाइजेशन है और नीला धम्म इस ऑर्गेनाइजेशन के 90 लोग चेन्नई से आए हैं। हमारे साथ में कुछ प्रतिनिधि है, नीला धम्म के जो प्रतिनिधि है हम उनसे जानेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कृष्णवेणी है। कितने लोग आए चेन्नई से? हम लोग 90 आए। कब निकले वहां से? 3 दिन बाद, 31 में ट्रेन उतरे, अभी 32 आ गए और एक घर में हम लोग रहता है, उनका नाम आके संजय मिश्रम, उनका पास हम लोग तैरते। अच्छा, संजय मिश्रम जी के पास? कहाँ पे है संजय मिश्रम जी का निवास? क्यों, एड्रेस है ना इसमें? ये अच्छा, पाटनकर चौक। हाँ, पाटनकर चौक, ये इंदौरा के पास में पाटनकर चौक है, वहाँ पे है। हाँ, है ना। हर ये क्या है, ये वाद्य क्या है? ये आके हम लोग पराई करके बोलते हैं। हाँ, वो गाय का चमड़ी है ना। हाँ, उसमें बनाता है। अच्छा, गाय के चमड़ी में? हाँ। इसको कैसे बजाते हैं? ओके, वो बताएंगे। देखो आड़ी घाट, आड़ी घाट नाचने वाले है ना, आड़ी का थोड़ा सा ये मैं बताऊंगा कि ये जो है इसके वाद्य ये जो बजाते हैं और उसपे नृत्य करते हैं, ये चेन्नई से आए हैं। मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए। और क्या बताना चाहोगे आप? हम लोग हर साल आते हो? हर साल आते हैं। ये कितना साल है आपका? ये सातवां साल है। ये दीक्षा भूमि में आने के बाद आप क्या महसूस करते हो? हम लोग बाबा साहेब को टैंक को बोलने का है, हम लोग इंसान हुआ ऐसे इसलिए आ गए। हम लोग बुद्धिस्ट है। भारत बौद्ध में होना चाहिए कि नहीं? भारत बौद्ध में होना चाहिए कि नहीं? जरूर होने का है। अपन सब इंसान बनाने के लिए बाबा साहेब ने उतरा, अभी हम लोग भी बाबा साहेब के पीछे जाने गए। यहाँ से जब आप अपने गांव में जाते हो तो बाबा साहब अम्बेडकर जी और भगवान गौतम बुद्ध के विचार लेके जाते हो और वहाँ लोगों को बताते कि नहीं? हाँ, बताते हैं हम लोग। ये चेन्नई से आए हैं और वहाँ का चेन्नई का ये वाद्य है और चेन्नई के वाद्य में देखिए हम भी डांस करेंगे उनके साथ, डांस करेंगे, बहुत बढ़िया। देखिए डांस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये चेन्नई से आए हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको, चेन्नई से आए हैं, बहुत बढ़िया। और ये 90 लोग यहाँ पे आए हैं, ये देखिए सुनना, और अच्छा लग रहा है, डांस कर रहे हैं। और ये मैं बताना चाहूंगा कि ये चेन्नई से इस दीक्षा भूमि पर आए हैं और बाबा साहब को नमन करके यहाँ पे आए हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे ये सब तमाम यहाँ पे जो ये है ये सब देखिए ये काम बहुत बढ़िया, मैं भी इसके साथ
बात कर रहा हूँ, ये सब देने के हैं, देने से आए हैं ये, बहुत बढ़िया, ये देने का काम है, और कभी हमसे प्यार करेंगे, ये यहाँ पे आए हैं और ये देखिए कि धम्म साधु सठवे धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष में ये सब चेन्नई से नागपुर में आए हैं, दीक्षा भूमि पर आए हैं, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करने आए हैं। यू स्पीक तमिल, क्या बताना चाहोगे? जय भीम। நாங்க வந்து 17 மெம்பர்ஸ் இங்க வந்திருக்கோம், 70 70 பேர் வந்திருக்கோம். நாங்க பாபா சாஹிப் மணிமண்டலத்துக்காக இங்க தீட்சா பூமிக்காக நாங்க வந்திருக்கோம். எல்லாரும் குழந்தைங்களோட குடும்பத்தோட ஃபேமிலியோட நாங்க எல்லாரும் இங்க வந்து கலந்துக்கிட ஆசைப்பட்டு வந்திருக்கோம். 2017 இருந்து சென்னையில இருந்து 2014 இருந்து இங்க வந்திருக்கோம். நாங்க தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கோம். 2014 இருந்து சென்னை, தமிழ்நாடு சென்னையில இருந்து தொடர்ந்து இங்க திருச்சா பிரமிக்கு வந்து யாத்திரை வந்துகிட்டு இருக்கிறோம். இல்ல குடும்பத்தோட வந்து நிலா தம்ம குழு சார்பா ஒருங்கிணைக்கிற இந்த நிகழ்ச்சியில தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கோம். देखो मैं बताना चाहूंगा, ये यहाँ पर जो ये चेन्नई से ये सब बौद्ध उपासक उपासिकाएं आए हैं, ये महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करने इस पावन दीक्षा भूमि पर आए हैं, क्या बताना चाहोगे? जय भीम। टीम पेर நிலாதம்மா 2010 இருந்து கண்டினியூவா வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்ப கடந்த பத்துல இருந்து நிலாதம்மா குழு வந்து இருக்காங்க. வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்து உள்ளவர்லயும் பறை இசை வாசிட்டு மக்களை வந்து கிட்டத்தட்ட அணிதிருத்தி குழந்தைங்க முதல் கொண்டு பெரியவங்க முதல் கொண்டு எல்லாமே பாபா சாஹிப் நன்றி சொல்வதற்காக ஒவ்வொரு வருஷமும் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் சென்னையிலேருந்து வந்துட்டு இருக்கோம். இது வந்து இதோட முடியாது, கண்டினியூவாக தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருப்போம். கிட்டத்தட்ட 70 பேர் வந்திருக்கோம் நாங்கள், வருஷம் வருஷம் வந்து மினிமம் ஒரு 50 70 பேர் வந்துட்டே இருப்போம். இது வந்து தொடர்ந்து தான் இருக்கும். பாபா சாஹிப் நன்றி சொல்வதற்கு மட்டும் தான் வந்துருக்கோம், வேற எந்த காரணம் இல்லை. मैं बताना चाहूंगा कि इनका एक ही कहना है कि हम लोग जो आज चेन्नई से नागपुर में जो आए हैं, ये दीक्षा भूमि पर आए हैं, साधु सठवे धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष में आए हैं, यहाँ से महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी तथागत भगवान गौतम बुद्ध के नतमस्तक होने हम यहाँ पे आए हैं, उनके इस पावन भूमि पे हम आए हैं, यहाँ से हम उनके विचार हमारे गांव लेके जाएंगे और वहाँ पे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसा ही कहना इन जो चेन्नई से ये जो 90 लोग आए हैं उनका कहना है। आपको बहुत बहुत बधाई हमारे इस नाग भूमि पे, इस दीक्षा भूमि पर, और सभी को जो चेन्नई के सभी जो आए हैं उन्हें 67वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। मैं बोलूंगा एक साहेब बाबा साहेब, एक साहेब, एक साहेब, एक साहेब, एक साहेब, एक साहेब, एक साहेब, जय भीम, जय भीम।